बढ़ते आगे जयपुर से अहम खबर, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की अहम रिपोर्ट। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 3 बाघ शावकों का जन्म हुआ है और इनमें से 2 सामान्य तो 1 सफेद रंग का शावक है। राजस्थान में पहले सफेद बाघ का जन्म एक दुर्लभ घटना है। फॉर्मेलिन की कमी के चलते होता है बाघ का रंग सफेद। सफेद बाघ के जन्म के लिए माता पिता दोनों में फॉर्मेलिन की कमी की जीन जरूरी है। शावक को जन्म देने वाली बाघिन रानी ओडिशा के नंदनकानन में पैदा हुई थी, जबकि उसके पार्टनर शिवाजी का जन्म हुआ ग्वालियर में। दोनों ही प्रदेशों में होते रहे हैं सफेद बाघ के जन्म। हालांकि अभी तक देश में अधिकांश सफेद बाघ कैप्टिविटी में ही जन्मे हैं, लेकिन इससे वन्य जीव प्रेमियों की एक बात को बल मिला है। प्रदेश में बाघों का जीन पूल बढ़ाने के लिए इंटरस्टेट ट्रांसलोकेशन जरूरी है और शायद इस सफेद शावक के जन्म से निर्मल तिवारी मासा जुड़ चुके हैं। निर्मल, अच्छी खबर है जहां 3 बाघ जन्म हुए, लेकिन चर्चाओं में ये सफेद बाघ है। निश्चित तौर पर श्वेता, देखिए आज अक्षय तृतीया का दिन और उसमें राजस्थान में पहले सफेद बाघ शावक का जन्म होना निश्चित तौर पर चौतरफा खुशियां लेकर आया और इस बात के लिए एक चर्चा भी खड़ी हो गई है कि क्यों ना राजस्थान के अंदर जीन पूल को भी बढ़ाया जाए। देखिए, सफेद बाघ होना एक सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि बड़ा दुर्लभ घटना है। 10,000 अगर बाघ जब पैदा होते हैं उनमें से एक सफेद बाघ पैदा होता है, और इसका सीधा कारण, इसके पीछे जो तकनीकी और वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि एक जिस तरह का हार्मोन होता है फॉर्मेलिन नाम का एक हार्मोन होता है, उसकी कमी के चलते सफेद बाघ जन्मता है। खास बात यह है कि इसके लिए जो शावक है उसके माँ बाप दोनों के अंदर इस हार्मोन की कमी के जीन होने चाहिए। और ये खास बात यह है कि जब इसको लेके आया गया था, ये ओडिशा से लाई गई थी, नंदनकानन से जो रानी थी, और शिवाजी जो इसका मैटिंग पार्टनर है वो ग्वालियर थे। दोनों ही स्टेट, ओडिशा और मध्य प्रदेश स्टेट, ऐसे हैं जहाँ कैप्टिविटी में पहले सफेद बाघ का जन्म हो चुका है। यानी कहीं ना कहीं ये दोनों बाघ बाघिन जो हैं, इनमें भी वो जीन मौजूद थे। यही कारण है कि आज जब 3 शावक डिलीवर किए रानी ने नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर, तो एक शावक उसमें से सफेद हुआ। सफेद बाघ की एक खास बात और भी होती है कि सामान्य बाघ जो होता है, गोल्डन स्ट्राइप वाला जो बाघ होता है, उसकी तुलना में इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और इसका साइज भी उससे बड़ा होता है। लेकिन जो सवाल खड़ा ये हो रहा है कि जब कैप्टिविटी में राजस्थान के अंदर बाघिन अगर शावक को जन्म दे सकती है और वो भी सफेद शावक को, तो क्यों ना जीन पूल बढ़ाया जाए, क्योंकि राजस्थान के अंदर जितने भी बाघ हैं, खासकर वो या तो रणथंभौर से उनको ट्रांसलोकेट किया गया है या पहले से वहां मौजूद थे, जिसमें सरिस्का भी है, जिसमें मुकंदरा भी है, रामगढ़ विजदारी और अब धौलपुर टाइगर रिजर्व भी। यहाँ पर एक ही जीन पूल के बाघ हैं, उनकी कदकाठी एक सी होती है, उनका व्यवहार एक सा होता है। तो पहले लंबे समय से मांग उठी चली आ रही है और फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से हम भी बार बार उठाते रहे कि राजस्थान में भी जीन पूल बदला जाना चाहिए। तो अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि उत्तराखंड से जिस तरह से उसने 4 बाघ देने की बात कही थी, मध्य प्रदेश में कही और महाराष्ट्र में भी कही है, तो राजस्थान का जो वन महकमा है इस दिशा में गंभीरता से और तेजी से प्रयास करेगा कि 3 राज्यों से बाघों को यहाँ लाया जाए और उनको यहाँ जंगलों में छोड़ा जाए, ताकि यहाँ के जीन पूल में वृद्धि हो, यहाँ के जो बाघ हैं उनका आचार व्यवहार बदले, उनकी कदकाठी बदले। तो निश्चित तौर पर इससे एक अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा और जो बांझपन की समस्याओं से जो बाघिन जूझ रही है राजस्थान की, खासकर जिनको ट्रांसलोकेट किया गया था, कुल मिला के आज इस चर्चा को बल मिला है कि जीन पूल बढ़ाने के लिए इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन बहुत जरूरी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय और राजेश गुप्ता जो APCCF वाइल्ड लाइफ है, वो इस दिशा में तेजी से सोचेंगे भी और इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन की दिशा में। चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।